खबर नामा, खबर से असर था। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट ऑफिस में जाकर मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक काफी देर तक रही। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देने वहां पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं के इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और साथ ही कई कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। किसान आंदोलन से लेकर राम मंदिर के मसले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, चुनाव आते ही अंबेडकर जी और राष्ट्रपति जी दोनों बीजेपी को याद आ गए, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास में राष्ट्रपति जी क्यों याद नहीं आए। बता दें कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं, वह काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मन बना चुकी है। हाल ही में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने भी यूपी प्रभारी संजय सिंह से उनके लखनऊ स्थित आवास पर तकरीबन एक घंटे तक मुलाकात की थी। तो आप सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुलाकात की वजह को भी साझा किया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और एक तारीख को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। जिला पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ है उसमें भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 25 जिला पंचायत अगर निर्विरोध हो रहे हैं तो ये सीधे सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ की सरकार ने अपहरित किया है, यही कहा जाता है। क्या क्या इतिहास के चुनाव को लेकर क्या माना जाए कि आपकी अखिलेश जी से भी बातचीत आने वाले वक्त में सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? अभी तो आज तो सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसीलिए आए। धन्यवाद। अरे सर, दो नेता सर गाड़ी दे। अरे सर, उनकी इस मुलाकात को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। यूपी में चुनावी सरगर्मियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें दोनों नेताओं की उस मुलाकात की है जो कि आज हुई है। इस मुलाकात के कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में संजय सिंह की अखिलेश यादव से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों पार्टियों ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कोई रणनीति तैयार की हो। हालांकि जिस तरीके से अभी सक्रिय संजय सिंह नजर आ रहे हैं यूपी में, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो अकेले ही पार्टी को इन चुनावों में उतारने की तैयारी में है। लेकिन अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है जिसे काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की थी। संजय सिंह की मैं यहां बात कर रही हूं। चुनावी माहौल के बीच लखनऊ पहुंचे सपा नेता संजय संजय सिंह ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के कई मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आज 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी रहे और चुनावों के लिए मतगणना अभी हो रही है। प्रदेश में फिलहाल चुनावी माहौल बना हुआ है। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी आज लखनऊ पहुंचे। आप नेता ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के ऑफिस में हुई। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से। इनके अलावा प्रीतपाल सिंह सलूजा जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं आम आदमी पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। सलूजा जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। संजय सिंह की खास मुलाकात आज अखिलेश यादव से हुई है, क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक रही? समय हालांकि चूंकि आपका पर्स जो है वो चुनाव जो नजदीक है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर शायद होगा उत्साह जो आती है। ये जो मुलाकात है ये व्यक्तिगत मुलाकात है। पीछे भी ये था कि दो बार
उन्होंने इनवाइट किया था, नहीं जा पाए थे। तो ये व्यक्तिगत है, अभी कोई इसको राजनीतिक प्रवेश से जोड़ना अभी जल्दीबाजी होगी। और जहां तक चुनाव से संबंधित बातें होंगी वो समय जैसे करीब आने लगेगा आपको सारी पिक्चर खोल के देखने लगेगी। ओम प्रकाश राजभर से भी उन्होंने मुलाकात की थी संजय सिंह ने, तो क्या वो भी व्यक्तिगत मुलाकात थी सर? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आपको याद होगा जब दिल्ली चुनाव हो रहा था तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने आगे बढ़कर कांग्रेस से कहा था, राहुल गांधी जी से कहा था कि आप हमारे साथ आओ, देश का जो चुनाव हो रहा है कि हम लोग सभी जगहों पे करीबन 5 प्रदेश में हम लड़ने के लिए उनसे कहा था अलायंस करने के लिए। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो जो निर्दयी सरकार है दिल्ली की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो उसने पूरे देश को तबाह कर रखा है, गरीबों को परेशान कर रखा है, और जो शरीफ हैं जो काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने दे रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार चूंकि अब करीब आ चुका है, लोग पहले से ही परेशान चल रहे थे कोरोना काल में, और लोगों को पता चला, लोगों के अपने चले गए, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिला, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ा। अब आम आदमी पार्टी तो चाहेगी कि जो भाजपा को हरा सकते हैं, भाजपा ऐसी पार्टी है इसको सत्ता में ना आने दिया जाए, इसके लिए अगर वैसा कोई मौका आया तो उसपे भी अभी कोई पार्टी की ओर से कोई इस तरह का फोरम अभी तैयार नहीं हुआ फिलहाल के लिए। ठीक है, मगर आगे कभी होगा तो इस पर विचार करने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अश्विनी शाही जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए संजय सिंह वैसे ही काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी अब कोशिश भी कर रही है कि यूपी में भी अपने दबदबे को अब बढ़ाया जाए। पहले ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात, उसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात, ये मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी की चिंता तो नहीं बढ़ा देंगी? पल्लवी जी, कोई चिंता, कोई किसी पार्टी की किसी से मुलाकात चिंता बढ़ाने का सबब नहीं हुआ करती है। अगर माननीय संजय सिंह जी सबसे मिल रहे हैं तो वो भी अपनी कोई राजनीतिक भविष्य तलाश रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक भविष्य हो सकता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार साइकिल हाथी पर सवार हुआ, साइकिल और पंजे का साथ, दो लड़कों का साथ हुआ तो सब लोगों ने देख लिया है, और एक संकल्प मोर्चा भी बना है जो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और उसमें 20 जो है उप मुख्यमंत्री बना रहा है, उसके अंग ये लोग बन सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज देखिए, आज मुलाकात की सबसे बड़ी हास्यास्पद और बड़ी अच्छी चीज लगी है जो शायद श्रीपाल जी को भी याद होगी और आपको भी याद होगी, यही अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक बार अरविंद केजरीवाल जी का नाम किसी पत्रकार वार्ता में पत्रकार भाइयों ने पूछा, उन्होंने कहा कौन केजरीवाल, सीधा सीधा कहा कौन केजरीवाल, और अंत तक पत्रकार भाई पूछते रहे और माननीय अखिलेश जी ये कहते रहे कौन केजरीवाल, और अंत तक उन्होंने नहीं माना। लेकिन राजनीतिक करवट बदलती है, तो आज हो सकता है कि वही केजरीवाल जी के रूप में संजय सिंह उनके दूत आकर मिले हो, क्यों चूंकि वो प्रभारी भी हैं और आज सपा को अपने अस्तित्व के का खतरा दिख रहा हो उत्तर प्रदेश में, तो वो किसी से मिलने के लिए तैयार हो। उन्होंने पहले से भी एक सूचना दी है, छोटे दलों से हम मुलाकात कर लेंगे। भाई खुद छोटे दल है तो छोटे दलों से मुलाकात करेंगे, बड़े दलों से करके तो आपने हश्र देख लिया। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चुनाव जीत गई, आज आप वहीं खड़े हैं और आज आप जो है धोसा चना बाजे खाना वाली स्थिति में आ गए हैं। जो आज एक लिंक है यहाँ पर ये भी जुड़ रहा है अश्विनी जी, देखिए राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो भी बात हुई थी सर, कथित रूप से जो घोटाले की बात सामने आई थी वो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के द्वारा ही उठाई गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही पार्टी के नेताओं ने की थी, तो क्या ये एक बड़ा यहाँ पर लिंक हो सकता है कि वो इसी मसले को अब आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा बड़ा बनाना चाह रहे हो? और सपा आरोप से कि विरोधी दल है तो उसको विरोध करना चाहिए, लेकिन सार्थक विरोध करना चाहिए। हमारा विरोध अगर नहीं होगा, हमारा मतलब सत्ता में जो भी है उसका विरोध अगर नहीं होगा तो उचित भी नहीं है। विरोधी दलों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, समय समय पर सत्ता को का जो है विरोध करना चाहिए, उनके कार्यों के बारे में उनको आगाह करना चाहिए। लेकिन ये राम मंदिर का जो मामला उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं मामला है, वो राम मंदिर ट्रस्ट से मामला जुड़ा हुआ है और उसका जवाब प्रेस बार बार दे रही है कि हमारा कोई उससे मतलब नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई हमने फ्रॉड नहीं किया है और मुकदमा ये लोग कर रहे हैं, अब माननीय न्यायालय जो जाने, लेकिन उसका कोई इस पर असर नहीं पड़ने वाला है। राम सबके आराध्य थे और राम मंदिर बनवाने के लिए हर आदमी ने देखा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत और पूरे विश्व के हिंदुओं ने किस तरीके से अपना तन मन और धन लगाकर 100 सालों तक लड़ाई लड़ी है, तब जाकर
मोदी जी के शासनकाल में भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के उससे बना हो, लेकिन तो आज शासनकाल हमारा है और हमारे शासनकाल में उसका शिलान्यास माननीय मोदी जी द्वारा हो चुका है। तो वो मुद्दा ये लोग कुछ भी करें उसमें, उस मुद्दे पर कुछ नहीं होना है। बाकी आरोप किसी के ऊपर लगा दिया जाए, मैं अभी बैठा हूं प्रीतपाल जी से, मैं कह दूं कि प्रीतपाल जी ने मुझे गाली दी, तो कोई मतलब थोड़ा ही होता है इसका। अगर हम इनका तार्किक रूप से विरोध हम इनका झेलें या तार्किक रूप से हम इनका विरोध करें, उसमें दम होता है। जो बेदम की बातें ले आकर और इकट्ठा करना और चार कागज इकट्ठा कर लेना, वो कहीं कुछ नहीं होता है जी। ठीक है प्रीतपाल जी, आने वाले वक्त में क्या किसी गठबंधन की भी यहाँ पर अंदेशा है कि किसी गठबंधन का आप सहारा ले सकते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी की जो नीति है वो साफ है कि वो अकेले ही चुनाव में लड़ेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को कहा कि हम अकेले ही चुनाव में विकल्प के रूप में उतरेंगे। अभी तक कोई ऐसी लाइन नहीं है पार्टी की, कुछ आगे इस तरह से कोई दिखा के इस तरह से हम लोगों को करना चाहिए, उस पर तो दरवाजे भी खुले हुए हैं, किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रही बात अभी शाहिद जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता लोभी पार्टी है, सत्ता के लिए अपने तलाश रही कि उत्तर प्रदेश में उसको जमीन मिल जाए, तो इनको शायद पता नहीं होगा 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने सत्ता को लात मार दी थी। 49 दिन की अपनी सरकार जिसमें वो सीएम थे, अपनी सरकार को लात मार के वो आए थे, फिर जनता के बीच में गए थे, जनता ने 67 सीटें उनको दी। और जहां तक की बात अगर माननीय सांसद संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के आज अखिलेश यादव जी से मिलते हैं किसी मुखिया से किसी पार्टी के, तो इनके पेट में दर्द होना समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि ये तो उन अलगाववादियों को के साथ सरकार बना चुके हैं जिनको ये आतंकवादी मानते हैं। इनको मुस्तफी जो वहां की हैं उनके साथ इन्होंने सरकार बनाई, फिर उनके साथ ये मीटिंग भी करते हैं, करीबन 21 महीने के बाद उनके साथ मीटिंग भी करते हैं। तो ये तो अवसरवादी भाजपा सरकार है, जो भाजपा के नेता जो अवसरवादी अवसर तलाशते हैं कि सत्ता कैसे हमें प्राप्त हो। हमारे लिए तो सत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखती, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन से ज्यादा व्यवस्था परिवर्तन पे ही हम लोग का जोर रहता है कि जो आम पब्लिक है, जो टैक्स पेयर है, उनको सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं बन रही है वो नीचे के आखिरी पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति तक वो व्यवस्था पहुंचे। वही काम हम लोगों ने दिल्ली में किया, दिल्ली की जनता को जो हम लोगों ने वादे किए थे। 70 वादों के साथ हम लोग 2015 में आए थे, 2015 में 2017 जो 70 वादे थे वो कंप्लीट करके हालांकि एक्स्ट्रा कई वादे हम लोगों ने कर दिए। वही हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में भी दिल्ली का जो मॉडल है उसको लेके जाएंगे, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल दिल्ली का, दिल्ली में जो पानी है, सड़कें हैं, दिल्ली में जो महिलाओं के लिए जो कैमरे लग गए हैं, करीबन 2,75,000 कैमरे लग गए हैं, 2,50,000 स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं, उस पे हम जाएंगे दिल्ली में, चूंकि हम ये पूरी तो दुनिया जानती है। अभी यूपी में आपको अपनी कितनी सियासी जमीन नजर आ रही है सर? वहां पर तो पहले से ही ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं, अब आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी अब फिर से नजर आने लगी है वहां पर। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अब रसातल पर जाने लगे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से ही वहां पर इतनी एक्टिव है, और आपको लग रहा है सर बीजेपी को पछाड़ना इतना आसान होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है, जिनकी मुखिया माया की देवी है, माया की रानी है, माया ही उनको सबको दिखती है, तो वो तो भाजपा की भी टीम है। अगर आप पिछले उपचुनाव जो निकले हैं उसमें आप लोगों ने देखा कैसे वहां पावर दिया इन्होंने, बिहार में दिया और कई जगहों पे, राजस्थान में दिया, एमपी में दिया, तो ये तो उन्हीं की पार्टी के साथ ही चलते मिलते हो, ए और बी दोनों है, इन्होंने सरकार भी दो दो बार उत्तर प्रदेश में बनाई। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी अभी निकट भविष्य में जो पंचायत चुनाव निकले हैं उस पर हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में उभर के आए हैं। तो आम आदमी पार्टी का तो जो कार्यकर्ता है उनका मोराल बहुत ऊंचा है, और हमारे जो लक्ष्य है वो जनता को राहत देना है, जनता को जनता के टैक्स पैसे से जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकारों को, अच्छी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी सरकारी स्कूल जो हो, प्राइवेट के टक्कर से प्राइवेट से भी अच्छे जो सरकारी स्कूल बन सके, जो इस समय माताओं पिता के ऊपर जो प्राइवेट स्कूल का शिकंजा कसता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ जी अभी तक स्कूल फीस में नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, जो बच्चों के साथ टॉर्चर किया जाता है प्राइवेट स्कूलों की सारी मनमानी जो है इसको खत्म करने के लिए, सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो और रोजगार की गारंटी हो युवाओं को, स्वास्थ्य की गारंटी हो, शिक्षा की गारंटी हो, पानी स्वच्छ जो स्वच्छ पानी है उसकी गारंटी हो, ये आम आदमी पार्टी वहां देगी, और जनता
जो सड़क हो गड्ढा मुक्त सड़क जो देने वाली थी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ 100 दिनों में, वो अभी तक नहीं दे पाई। अब तो सरकार का कार्यकाल भी इनका खत्म होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी एकदम वो काम करेगी जिससे जनता को लाभ होगा और डायरेक्ट लाभ होगा, जनता के टैक्स के पैसे से जनता को लाभ होगा। यही काम हम आम आदमी पार्टी दिल्ली का मॉडल लेके उत्तर प्रदेश में आई। ठीक है, अश्विनी शाही जी मुस्कुरा रहे हैं, सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर पल्लवी जी देखिए, अभी हमारे भाई प्रीतपाल जी बहुत कामों को गिना गए, गड्ढा मुक्त लेकर और व्यवस्था परिवर्तन तक। मुझे याद आ गया अचानक माननीय केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने एक बार एक बयान दिया था कि वो यूपी बिहार वाले दिल्ली मुंह उठाकर चले आते हैं मुफ्त इलाज कराने, क्योंकि सारे अस्पताल दिल्ली के उनके नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अभी 70 जो इन्होंने घोषणा किया था, उस 70 घोषणा का कुछ अंश मेरे पास है पल्लवी जी, मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा और भाई प्रीतपाल जी सुन लीजिए इसको, उसके बाद जवाब दीजिए आप इसका। देखिए, इन्होंने दिल्ली में वाईफाई लगाने का वादा किया था और इस समय जो है लगभग जो है 150 की स्पीड से पूरे दिल्ली में वाईफाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में देना बाकी रह गया है, ये लोग देंगे, अब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इन लोगों का पानी का बिल दिल्ली में माफ हो गया है, सब पानी आ रहा है। लेकिन मेरे पास एक वीडियो आया था कहीं से, जब भी चुनाव हुए, तीन चुनाव जब केजरीवाल जी ने सत्ता को लात मार दी और उसके बाद आए, तब भी उन्होंने कहा कि 3 साल लगेगा स्वच्छ पानी देने में। अगला चुनाव लड़े उसमें भी कहा, और अभी पिछले वाला जो चुनाव लड़े हैं इसमें भी कहे कि 2 साल लगेगा। तो पानी तब से 2015 से ये दे रहे हैं और अभी तक नहीं दे पाए। तीसरा जो है, हम कह रहे हैं कि दिल्ली में 500 स्कूल खोलने की बात थी, वो सारे खुल गए इनके, और अब उत्तर प्रदेश में भी खोलेंगे, ये आने वाले 70 संकल्प में से है। अब देखिए, दिल्ली में किसी को घूस नहीं देना पड़ेगा, दिल्ली में घूस एकदम बंद है, अब उत्तर प्रदेश में भी बंद कर देंगे ये लोग। इनके घोषणा पत्र का पे कुछ अंश पढ़ रहा हूं मैं। ठेकेदारी प्रथा दिल्ली से खत्म हो गई है, कोई बची नहीं है, अब उत्तर प्रदेश में भी ठेकेदारी नहीं होगी। दिल्ली के लोग सारे झुग्गी झोपड़ी वाले सब पक्के मकानों में चले गए, अब उत्तर प्रदेश के लोग भी पक्के मकान देखेंगे, ये आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये वादा लेकर। एक बड़ा अहम चीज था जल लोकपाल बिल, वो पास हो गया, उत्तर प्रदेश के लिए ये लोग पास कराएंगे, आप आने वाले दिनों में देखिएगा यूपी के चुनाव में यही वादा करेंगे वो। सर शायद शाही जी, मैं आपकी पूरी बात यहाँ पर सुनूंगी, बस हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। पंजाब सरकार दे उद्यमा सदका पंजाब ने सिख्या दे खेतर विच पहला स्थान प्राप्त करके सारे देश विचों सिखरला स्थान मल्लिया, जिथे इस नाल सिख्या विभाग अते अध्यापका दी हौसला अफजाई हुई है, उथे ही विद्यार्थियों नु भी मेहनत करन दी प्रेरणा मिली है। असि हुण पहुंच गए हैं पहले नंबर ते, हुण आपां पहले नंबर तो उतरना नहीं। सरकारी सिख्या दे पद्धर नु उच्चा चुकन लई वचनबद्ध पंजाब सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इसके बाद चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया है और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए शाही जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए ताकि मैं प्रीतपाल सिंह सलूजा जी से सारे जवाब ले सकूं। इसमें 2-3 मुद्दे और रह गए हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा समय मैं लूंगा। जी जी। दिल्ली के जो सीएम हैं वो न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे और न सिक्योरिटी लेंगे। अब उत्तर प्रदेश में भी अगर संजय सिंह सीएम बनते हैं तो वो भी दिल्ली को दिखाएंगे। दिल्ली के विधायक और मंत्री, उत्तराखंड में यूपी में सीएम कौन बनेगा? माफ कीजिएगा, उत्तराखंड निकल गया, यूपी का सीएम कौन बनेगा आम आदमी पार्टी? वही संजय सिंह ही लगे हुए हैं और केजरीवाल जी तो दिल्ली छोड़ के आने वाले नहीं है। संजय सिंह की महत्वाकांक्षा है, मतलब मैंने एक हो सकता है कि भाई संजय सिंह सोच रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज है, विधायक और मंत्री जो है वो 1 रुपए का वेतन दिल्ली में ले रहे हैं, आज यहाँ भी लेंगे और जहाँ भी सरकार इनकी बनेगी देश में वहां लेंगे। और एक और था कि 4 लाख महिला कमांडो की नियुक्ति दिल्ली में हो चुकी है और आप लोग भी नोएडा दिल्ली में रहती हैं, रोज रूबरू होती होंगी, तो यहाँ कम से कम 40 लाख की होगी, यूपी के लोग अपेक्षा करेंगे।
ये सारे वादे लेकर ये आए थे। और इसमें कितने हो गए, हमारे भाई प्रीतपाल सिंह जी ने कहा कि 70 वादों में हमने पूरा कर दिया। कहा प्रीतपाल जी, दिल्ली के लोगों के साथ खेल करने का, ठगने का काम आपकी सरकार ने किया है। दिल्ली में सरकार आपकी पूर्ण बहुमत से है, पूर्ण बहुमत मतलब रिकॉर्ड बहुमत से है, दूसरे किसी के कहीं कोई नहीं है, दो तीन हमारे दल के लोग हैं, लेकिन फिर भी आपने छलावा किया। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बहुत से प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने किया और वो प्रयोग विफल रहा। और आज बाहर जाकर ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग भागीदारी मोर्चा बना रहे हैं जिसमें कि सब छोटे दलों के लोग रहेंगे, सीएम का लालच दे रहे हैं, आप भी आ जाइए उनके साथ। देखिए सर, समाजवादी पार्टी पहले ये बात क्लियर कर चुकी है कि अब हम किसी बड़े दल को तो अपने साथ नहीं लेंगे, यानी कि बड़े किसी भी दल के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी शायद ही उनका गठबंधन है। तो फिर क्या ऐसे मान लें कि जो ये भागीदारी मोर्चा एक बना है, एक नए मोर्चे की कवायद यहाँ पर शुरू की जा रही है, तो आम आदमी पार्टी का कुछ हिस्सा हो सकता है उसमें? शाही जी, देखिए आम आदमी पार्टी अब किसके साथ करे ये पल्लवी जी हमको कहना नहीं है किसी के साथ। देखिए राजनीति, मैं कई बार कह चुका हूँ आपके चैनल पर भी और कई जगह कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। जहां पर ये लोग देखेंगे कि हमारा क्या लाभ हो रहा है, हम कहां पर जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, अब ये देखना है कि अखिलेश जी इनको बड़ा दल मानते हैं या छोटा दल मानते हैं, इनको क्या कहते हैं राजभर जी किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इन लोगों में क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेगी उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं। अभी हमारे भाई प्रीतपाल जी कह रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, हमारे दर्द नहीं हो रहा है, हम तो आपके कामों को गिना रहे हैं, दर्द क्यों होगा? आप राजनीतिक दल हैं, भारत एक लोकतंत्र का क्या कहते हैं झंडा बरदार है और हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र है, किसी को भी चुनाव लड़ने की पूरी छूट है। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि पागल या दिवालिया ना हो, ये ना हो, आप लोग तो पार्टी चला रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अब जो भी काम होगा, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता शुद्ध रूप से विकास का रास्ता देख रही है, जो विकास माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मील का पत्थर साबित कर दिया है देकर, कोरोना में स्वयं बीमार होते हुए हर गली गली हर गांव गांव वो गए हैं, हर जिले का दौरा किया उन्होंने। कोई आप मुख्यमंत्री हो आप बताइए कि आपके माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कितने अस्पतालों का दौरा किया है, किसी अस्पताल का दौरा नहीं किया उन्होंने, लेकिन योगी जी रोज दौरा करते रहे, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ लगे रहे। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी चूक सामान रहते हुए, व्यवसाय रहते हुए थोड़ी हुई थी जिसको समय रहते हम लोगों ने पूरा कर लिया, लेकिन आज जनता देख रही है। पल्लवी जी, हम लोगों ने बहुत ही बड़े चीजों को रोक लिया, अभी और भी भयावह स्थिति हो सकती थी जिसका WHO से लेकर ऑस्ट्रेलियन सांसद तक उत्तर प्रदेश की मॉडल का लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन लोगों ने उसको माना है कि बहुत बेहतर मॉडल था। अब इससे बेहतर अगर कोई करेगा, लेकर आएगा, तब जाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला पाएगा, क्योंकि 300 से ऊपर हमारी सीट थी पल्लवी जी। हमको सबका साथ मिला था, सारे दलों का साथ मिला था, हमने जातिगत भावनाएं तोड़ डाली, हमने किसी जात की राजनीति नहीं की। यहाँ पर तो जो छोटे छोटे दल है वो जाति की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ जाति पर आधारित पैदा हुए। समाजवादी पार्टी तो यादव महासभा है, अब मुसलमानों का उनसे मोह भंग हो चुका है, राजपूतों का वहां कोई ठिकाना नहीं है, ब्राह्मण वहां जाएंगे नहीं, तो वो सिर्फ यादव महासभा बन के रह गई है। तो इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों को लेकर जाते हैं, MIM जो है मुस्लिम को लेकर घूम रही है, तो हर जगह देखिए जातिगत समीकरण है। और एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है और आगे भी चलती है। शुभकामनाएं हैं आपके साथ, अगर इतना अच्छा आपने काम किया है तो इसका आने वाले समय में आपको फल भी जरूर मिल जाएगा। चलिए प्रीतपाल जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। सर, उन्होंने दिल्ली के कई कामों की यहाँ पर लिस्ट सौंप दी है शाही जी ने, उन्होंने बोला है कि आप बताइए फ्री वाईफाई का कहाँ आपने लगवा दिया, उसके अलावा शुद्ध पानी की कितनी आपने व्यवस्था कर दी, कितने आपने स्कूल खुलवा दिए, कितने महिला आपने कमांडो की तैनाती कर दी, ये तमाम, और जन लोकपाल बिल सबसे अहम, ये सारे सवाल उठाए हैं शाही जी ने। क्या अब आप ये सारी चीजें दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश में करेंगे? पल्लवी जी, अगर मैं दिल्ली के काम गिनवाने लगूं तो पूरा 4 से 5 घंटा आपके चैनल पर इसी तरह लग जाएगा। मैं शॉर्ट में बता दूं, 2013 हम जीते, 2015 जीते, 2015 के जो अच्छे काम, 2013 के जो अच्छे काम थे
तो 15 में हमको उसका लाभ मिला, जो 15 के काम थे वो 20 में हमें लाभ मिला। ये दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया। मुझे शाही जी के मुंह से पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, यही तो आम आदमी पार्टी ने कहा था। आम आदमी पार्टी की जो अगुवा है अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा था मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, राजनीति सिखाने आया हूँ। तो ये अब इनके मुंह से ये चीजें निकलने लगी हैं। अब ये हिंदू मुसलमान से बाहर आकर स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब चीजों पे बात करने लगे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व खुद दिखाएगी, ये जनता के दम पर दिखाएगी, दिल्ली के मॉडल पे दिखाएगी। इन्होंने कहा कि इनके पेट में, देखिए पेट में दर्द इसलिए होना आपका जायज है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ही 17 साल बाहर रहे हो, 17 साल आपको भी किसी ने आने नहीं दिया। यहाँ इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप मारे मारे फिरते रहे, कभी मायावती जी के बहन मानकर उनकी, उनको भी उन्होंने पीछे से उनको धोखा दिया। लालजी टंडन जी अब नहीं रहे हमारे आपके बीच में, तो ये सब पूरी दुनिया ने देखा है। और रही बात उत्तर प्रदेश की जनता की, तो उत्तर प्रदेश की जनता तो पहले भी लॉकडाउन झेल चुकी है, दूसरा लॉकडाउन भी देख चुका है। यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमरा दी हैं कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों का परिवार खत्म हो गए, परिवार का परिवार खत्म हो गया, कई जगह तो माता पिता तक खत्म हो गए, और अभी तक उनको 1 रुपए का भी लाभ वहां तक वो नहीं दे पाए, उनके परिवार में उनको सांत्वना नहीं दे पाए हैं। वो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। लाशें जो थी उनके परिवारजनों की वो सड़कों पे जलाई गई, पता नहीं किस तरह से ऑस्ट्रेलिया का और पता नहीं किस किस देश का नाम ले रहे हैं। जो काम किया अगर कायदे से देखा जाए तो दिल्ली की सरकार ने किया, अपने 2 करोड़ जो जनता है दिल्ली की, उसकी सांसों की लड़ाई लड़ने का काम जिसने किया वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से लड़ी आपने, प्रीतपाल जी लड़ाई, प्रेस वार्ता करके, रोजाना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने लड़ाई लड़ी। एक आप सोचिए सर, आप थोड़ा सा नक्शा दिमाग में लाइए, दिल्ली का नक्शा और उत्तर प्रदेश का नक्शा लाइए और आप सोचिए दोनों राज्य कितने अंतर है दोनों राज्यों में। पल्लवी कोरोना के दोनों लहर में हमने देखा दिल्ली में कैसे हाहाकार मच गया सर, कैसे हाहाकार मच गया, और आप हर बार ये कहकर बचने लगे कि ये तो केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। मैं, हम लोग जब भी बात करते थे हम लोग व्यवस्थाओं की बात करते थे, हम लोग व्यक्ति कभी आक्षेप नहीं लगाया। हम लोगों ने ऑक्सीजन देने का काम किसका था पल्लवी जी? सेंट्रल गवर्नमेंट का था। जो इक्विपमेंट बाहर से आ रहे थे वो कौन देने किसका काम था? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। जो वैक्सीनेशन होना दिल्ली के अंदर वो किसको देना था? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था। तो हम किससे आगे जाके अपनी बात को रखते? हम लोगों ने जो भी बातें रखी, जब हमारी बात पटल पे नहीं सुनी गई, हम कोर्ट के माध्यम में गए, हम न्यायालय की शरण में गए, हाई कोर्ट के शरण में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए। उन्होंने इस बात को माना कि दिल्ली सरकार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये उनके शब्द थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा था कि तुरंत प्रभाव से जो जिन राज्य से उत्तर प्रदेश को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी वहां से लेने को उन्होंने कहा, एमपी से लेने को कहा, अलग अलग प्रदेश 12 राज्यों से उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन जो है आप दिल्ली वालों को, दिल्ली वासियों को दो। तो 2 करोड़ जनता की स्वास्थ्य थे, जो सांस थी उसके लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने किया, तभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों की जो रिकवरी रेट है वो हम एकदम ताबड़तोड़ आगे बढ़ गए, 99.6.8 तक हम पहुंच गए। दिल्ली का रिकवरी रेट है, मौतों पर हम लोग नियंत्रण पा पाए हैं, दिल्ली के करीबन 70 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 24 करोड़ की आबादी है तो 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ लोगों को ही अभी तक वैक्सीन लगी है। जो वैक्सीन लगी है वो उसमें से आधे से ज्यादा वो है जो पहले बार की वैक्सीन लगे हुए हैं। दोनों वैक्सीन जो लगी है वो आधी भी नहीं रही। ये बात मानी कि सौतेला व्यवहार नहीं हुआ, यानी कि आपको भरपूर वैक्सीन दी गई है, आपने ये बात मान ली सर? हां दी गई है। 70 लाख अभी आपने पीठ थपथपाई, अभी आपने पीठ थपथपाई सर, आप इसी मारलीना जी लगा दी हमने, इसी मारलीना जी बार बार इस वैक्सीन किसको देनी है? केंद्र को देनी है, यानी कि आपको पूरी वैक्सीन दी गई और यूपी को कम वैक्सीन दी गई। यूपी को कम वैक्सीन दी गई। सीएम अरविंद केजरीवाल जी बार बार वैक्सीन की बात करते रहे कि 2 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 1.97 करोड़ वैक्सीन हमको चाहिए, आप हमको 3 लाख वैक्सीन देते हो, 5 लाख वैक्सीन देते हो, ग्लोबल टेंडर आप खोल दे चुके हो, ग्लोबल टेंडर में अगर हम कोई चीज डालते हैं तो बाहर की कंपनियां वहां पे भरोसा नहीं करती क्योंकि देश के अंदर कानून में वो बाध्यता उनकी आती है। हम लोगों ने बार बार कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में लेकर, तो ये दिल्ली की जो सारी चीजें हैं वो लेकर आप यूपी के चुनाव में उतरेंगे सलूजा जी? कि देखिए दिल्ली में हमारे साथ ये बुरा किया गया, हम नहीं चाहते कि यूपी में आपके साथ इतना बुरा हो, इसलिए हमें वोट दीजिए। पल्लवी जी,
दिल्ली की जनता 65% जो दिल्ली में वास करती है, जो रहते हैं दिल्ली के अंदर, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम के लोग हैं। वो दिल्ली से यहाँ आते जाते रहते हैं, वो यहाँ आके बताते हैं कि दिल्ली में बेटा हमारा जो बिजली का बिल है वो जीरो आता है, पानी का बिल हमारा जीरो आता है, अरविंद केजरीवाल 1 रुपए यूनिट बिजली करने वाले हैं, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन और तुम्हारी जो बेटी है वो बसों में मुफ्त आवागमन करती हैं, वहां पे 2.5 लाख कैमरे लग चुके हैं, 2,75,000 स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं, अव्वल दर्जे की सड़कें, वहां जो ओवर ब्रिज बना है जिसपे बजट लगने के बाद भी 100-100 करोड़ रुपए उस बजट को बचाकर जनता की सेवा में उस पैसे को लगाया गया है, मोहल्ला क्लिनिक में सबकी सबको स्वास्थ्य दिया जाता है, सारे काम आपने किए हैं और ये सारे काम लेकर आप यूपी के चुनाव में जाएंगे, उसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यूपी की जनता को ये सारी चीजें समझ में आए। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरनामा में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से एक खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज दूसरी खबर का भी हम रुख कर लेते हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एकीकृत संयुक्त सैन्य कमान के गठन की तैयारी चल रही है। तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान थिएटर कमान या एकीकृत कमान, जिसको लेकर पहले से ही वायुसेना को कुछ आपत्ति है। कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एयरफोर्स को लेकर जो बात कही उससे मतभेद और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। सीडीएस बिपिन रावत ने इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट आर्म ऑफ आर्मी बताया। जनरल रावत ने एक बातचीत में यह कहा है कि इंडियन एयरफोर्स को एकल वायु रक्षा कमान को लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड पर मौजूद सुरक्षा बलों को वायुसेना से सपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है। वायुसेना ग्राउंड पर सपोर्टिंग आर्म रहेगी। उनके पास एक चार्टर है जो ऑपरेशन के वक्त ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर वायुसेना चीफ राकेश भदौरिया ने सीडीएस बिपिन रावत के बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी की सपोर्ट आर्म नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड फोर्सेस से पहले जाकर किसी भी प्रकार के खतरे को कम करती है। एयरफोर्स ग्राउंड को सपोर्ट नहीं करती बल्कि फोर्सेज की अगुवाई करती है। इससे थिएटर कमांड को लेकर मतभेद अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले दिनों सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने थिएटर कमांड के गठन को लेकर मतभेद दूर करने के लिए तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा भी की थी। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के एक बयान ने वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की नाराजगी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत ने इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट आर्म ऑफ आर्मी बताया था। इस पर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द 17 एग्जिस्टिंग कमांड्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनटू जस्ट अबाउट 7 कमांड्स। China has also done a major exercise like that. They had 7 military regions. They have reduced them to 5 joint military commands. Now, the fact of the matter is we are in a two-front situation. So, my personal humble advice will be that firstly, this discussion should not be public. We can have intense debate, intense discussion, but frankly, I don't think these should be aired very publicly. These should be within the confines of the armed forces and the ministry, etc. That's number one fact. We should avoid controversy at the national level because that sends messages also across. So I would be far happier as a veteran if this was discussed in-house and even old chiefs, retired chiefs could be involved in this process, but that's number one. Number two, my second piece of advice is that we need to integrate at the very top first. We must have joint strategy, joint evolution of plans, you know, which is really joint in terms of not just, you know, 3 separate plans. There is a very famous saying ascribed to Field Marshal Slim of the Second World War, which say that the only thing more difficult to accepting a new idea is to get rid of an old idea. I think that scenario is playing out. Creation of a Chief of Defence Staff was resisted mainly by the Air Force. It took nearly
two decades after the Kargil Review Committee had recommended it. But it has come through. This is only the first step. Creating another general doesn't solve the problem. In today's warfare, it's going to be very quick decisions. India is a vast country with 15,000 kilometers of land border, and on two sides we face adversarial situations, and 7,500 coastline. Navy doesn't get seen in the media because they operate in the seas where there is no media. But it is the army and the air force which stay in the media. If you have to make quick decisions, which will be the need of the hour in today's environment, then you need to decentralize the decision-making authority, which is what the theater commands are. General Bipin Rawat ne ek sawal jo role of air force ke bare mein tha, us vishay pe kaha ki air force ki ek role hai jiske andar mein ग्राउंड फोर्सेस को एयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उन्होंने ये कहा कि एयर फोर्स जिस प्रकार से आरटी सपोर्ट और इंजीनियर सपोर्ट होता है आर्मी के लिए उसी तरह एक सपोर्ट आर्म है, ये उनका सोच विचार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एयर फोर्स का एयर सपोर्ट और एयर डिफेंस चैप्टर है उनके रूल्स के अंदर में। उन्होंने ये भी कहा कि वन नेशन वन थिएटर के तहत एयरफोर्स पूरे राष्ट्र की जो एयर डिफेंस है उसकी जिम्मेवारी लेगी इस थिएटराइजेशन के तहत। देखिए, ये जो डिस्कशंस हैं थिएटराइजेशन की, इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस की, ये अभी भी डिस्कशन में डेलिब्रेशन में है। हाँ, एयरफोर्स की कुछ एक रिजर्वेशंस हो सकती हैं, उनके कुछ बात हो सकती हैं कि किस प्रकार इसको सेटअप करना चाहिए, किस प्रकार के जो उनके असेट्स हैं उसको मैनेज करना चाहिए। एयरफोर्स का तो एक स्पेसिफिक मैंडेट है, इसलिए जो असेट मैनेजमेंट, क्लोज एयर सपोर्ट, और ये जरूरी है समझना कि क्लोज एयर सपोर्ट और एयर डिफेंस, ये एयरफोर्स का काफी रोल्स में से ये एक रोल है, उनके तो रोल बहुत ज्यादा हैं। द नीड फॉर चेंज वॉज नेवर इन डाउट। वी डेफिनेटली नीड टू इंप्रूव आवर जॉइंट वॉर फाइटिंग केपेबिलिटीज। वॉट वॉज बींग क्विबल्ड ओवर बिहाइंड क्लोज डोर्स एंड नाउ इन द मीडिया इज द टाइप, शेप एंड साइज ऑफ दीज चेंजेस। द रैंट ऑफ आवर टॉप मिलिट्री लीडर लास्ट आफ्टरनून probably reveals his frustration at pushing through his agenda in a democratic setup like ours. Blurting out his exasperation in the media was in poor taste and displays lack of professionalism and poor judgment. I am sure our political leadership has noted this. चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय हम यहाँ पर करवा देते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इनके अलावा अभी थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम सीधे अभी बख्शी साहब आपसे कर लेते हैं। सर, एक बहुत यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी जैसा कुछ हो रहा है। सीडीएस बिपिन रावत ने एयरफोर्स को लेकर जो भी कुछ बयान दिया, आरकेएस भदौरिया की उस पर प्रतिक्रिया आई और उन्होंने उस बयान पर आपत्ति जताई है। इस मसले पर सवाल बहुत है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी सर कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है क्या, जिसको लेकर अभी इतना ज्यादा यहां पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है और आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। देखिए, ऐसा है, अगर आप मेरे को समय देंगे, बिल्कुल सर, मेरी ये एको हटा दीजिए, आप मेरे को समय देंगे तो मैं आपको ढंग से समझा पाऊंगा कि ये मेन प्रॉब्लम क्या है। ये सेमेंटिक एरर है। सेमेंटिक समझती है कि एक शब्द ऐसा बोला गया है तो मीनिंग कुछ और था और मीनिंग दिया गया है। बेसिकली ये है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में आता है कि आप इस शब्द को बोलिए जो कि करेक्ट हो। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको, मैं ये नहीं कहता कि अब सीडीएस को इसका ज्ञान नहीं है, सीडीएस को एयरफोर्स का ज्ञान है, पर मैं अपने सुनने वालों को समझा देता हूं कि जब लड़ाई हो रही होती है
तो एयरफोर्स का रोल और आर्मी का रोल क्या होता है खुद देख लीजिए। जब आर्मी को अटैक, आर्मी जो आपकी जीत हासिल करने के लिए आपको जमीनी अख्तियार करने होते हैं, धरती के जर के और जमीन पे आपको काबू कर पाना होता है और आपका सोल्जर्स पे होना चाहिए जी। पर सोल्जर तब पहुंचेगा जब आप उसकी एयरफोर्स आपको आने से जो रोक रही है उसको रोका जाए, क्योंकि जब उसकी एयरफोर्स जब आपको रोक रही है तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप तो जीत की जगह आपकी हार हो जाएगी। इसलिए एयरफोर्स आगे बढ़कर उसके दुश्मन के खेमों को उड़ाती है, उसके एयरक्राफ्ट को खत्म करती है, और जहां पे दुश्मन की एयरफोर्स दखलंदाजी कर रही है उसको नेस्तनाबूद पहले करती है, फिर आर्मी आगे बढ़ती है। तो ये सवाल ये है जो सपोर्ट का मतलब पे ही प्रॉब्लम उठाई गई है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है किसी को आप कंधा दे रहे हैं या किसी को उठाने में मदद कर रहे हैं, ये है वर्ड है एक्चुअली प्रोटेक्शन। जो क्लोज एयर सपोर्ट बोलते हैं मैं उसको क्लोज एयर प्रोटेक्शन बोलता हूं। एयरफोर्स जब तक प्रोटेक्ट नहीं करेगी आर्मी को, आर्मी प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी और खरगोश की तरह मारी जाएगी। जैसे कि उदाहरण देता हूं, लोंगेवाला में पाकिस्तानी टैंक जब आगे बढ़ गए थे तो किसने उनको खत्म नेस्तनाबूद नबूद किया, ये आपकी फिल्मों ने भी और आपके रिकॉर्ड ने गलत बताया है। उसको चार हंटर एयरक्राफ्ट ने रोका और 56 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए, तब पाकिस्तान के टैंक्स रुके थे। अगर वो एयरफोर्स ना होती तो जैसलमेर और जयपुर और जोधपुर सब पाकिस्तान के कब्जे में होता इन 24 घंटे के अंदर। ये प्रॉब्लम है। एयरफोर्स का काम है किस तरीके से बचाना, और बचाना है आर्मी को। पर वो वर्ड सपोर्ट यूज किया गया है क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सप्लाई भी करते हैं और उनको राशन भी पहुंचाते हैं, वो इस शब्द को लेके पहुंच गया है। पर मेन चीज है फाइटर और फाइटर बॉम्बर और अटैक हेलीकॉप्टर का जो रोल होता है उसको देखकर हो रहा है। तो ये अब दूसरी बात बता दें कि जब इंटीग्रेटेड कमांड की बात है कि सारे के सारे एक ही थिएटर के अंदर सब फाइटिंग एलिमेंट्स आर्टिलरी इन्फेंट्री एयरफोर्स सब इकट्ठी काम करे और एक कमांडर के तहत हो। एयरफोर्स कहती है देखो हमको 42 नहीं मेरे हिसाब से 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है और हमारे सब एयरक्राफ्ट डुअल ट्रिपल रोल कर सकते हैं। अगर और मेरे अभी एयरक्राफ्ट कम होके 30 से कम हो गए हैं, यानी कि 15 स्क्वाड्रन कम हो गए हैं, यानी कि क्लोज टू 280 जहाज मेरे पास अभी कम है। अब मेरे पास जहाज ऑलरेडी कम है और उनमें से मैं अगर निकाल के डेडिकेट कर दूं हर एक कमांड को, तो जो मेरे को पाकिस्तान की जो एक एयरफोर्स आ रही है एयर डिफेंस को मेरे को देना है, इस इंटीग्रेटेड कमांड को छोड़िए सी के ऊपर हिमालय के ऊपर और जगह देना है, वो कैसे दे पाऊंगा? मैं अपने जो मेरे वही जहाज है जो आपको क्लोज एयर सपोर्ट दे रहा है वो एयर डिफेंस भी कर सकता है। तो मैं अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको अपने अंडर रख के आपको तब तक दूंगा जब आपको जरूरत होगी, पर कंट्रोल एयरफोर्स का रहेगा। ये बेसिकली बात है। पर आर्मी जो सीडीएस है वो क्लोज एयर सपोर्ट को सपोर्ट सर्विस मान के उन्होंने सेमेंटिक एरर किया है। ये जान के नहीं, ये उनका परसेप्शन है, उन्होंने इस तरीके से किया है। मैंने आपको बताया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो जर्मनी ने 15 दिन के अंदर पूरे यूरोप को कॉन्कर इसलिए किया था कि आर्मी बढ़ती हुई आर्मी को एयरफोर्स प्रोटेक्ट कर रही थी, उसको ब्लिट्सक्रीग कहते थे। जो स्टुका टाइप बॉम्बर होते थे वो पहले जाकर दुश्मन को नष्ट कर देते थे, उसको कहते हैं वो प्रोटेक्शन दे रहे थे, ये नहीं कह रहे थे सपोर्ट कर रहे थे। ये सपोर्ट एक बड़ा ढीला और जिसको कहते हैं लूज वर्ड है, जो डाइल्यूटेड वर्ड है, जो करेक्ट मीनिंग नहीं आगे पहुंचाता। ये वर्ड है प्रोटेक्शन, और जब आपको ये समझेंगे हमारे सीडीएस समझेंगे तो पता चल जाएगा बात सिर्फ सेमेंटिक एरर्स की है। इंडियन एयरफोर्स ये नहीं कह रही हम काम नहीं करेंगे, इंडियन एयरफोर्स कह रही है इस कार्य प्रणाली को आप डिफरेंट एंगल से देखिए और हम करना तो हमने वही है, दुश्मन को रोकना और उस नेस्तनाबूद करना एयरफोर्स ही करेगी। जैसे ढाका में बांग्लादेश में पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को 1.5 दिन के अंदर खत्म कर दिया था, तब हमारी आर्मी आगे बढ़ी थी, नहीं तो आपकी आर्मी धरी की धराई रह जाती मेघना और इस साइड में, क्रॉस ही नहीं कर सकती रिवर को। और दूसरा है आपके
जो एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर से उन्होंने एयर ब्रिज बनाया और इनको उठा उठा के लेके चले गए, तब ये बचे। तो आपको इनको पता होना चाहिए, एयरफोर्स का अगर आप इस्तेमाल देख रहे हैं तो इस एंगल से देखिए, ना कि जिस एंगल से सीडीएस कह रहे हैं। बिल्कुल, ये शब्दों का जो हेरफेर हुआ है वो काफी यहाँ पर लग रहा है कि आरकेएस भदौरिया को चुभ गया है और इसीलिए उन्होंने तुरंत ये बात कही है। और आपकी बात भी एकदम सही है सर, आपकी हर बात से मैं यहाँ पर इत्तेफाक रखती हूँ। आरबी उपाध्याय जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। सर आरबी उपाध्याय जी, अभी जो कुछ चल रहा है आप भी देख पा रहे होंगे, आपने भी आज सुबह से एक खबरों में पढ़ा ही होगा, बिपिन रावत और आरकेएस भदौरिया में जो अभी खींचतान चल रही है एक शब्द के पीछे, आपका क्या रिएक्शन है सर? शब्दों का चयन काफी सही होना चाहिए, ये बात अब यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। आपने सही कहा, उस पद पर बैठे हुए लोगों संवैधानिक दायरे में रहकर जो शब्दों का चयन है वो करना चाहिए। देखिए, आप कहें कि सिर्फ थल सेना लड़ती है, अरे थल सेना, वायु सेना, भाई ये अलग अलग है सबका रोल ना। देखिए, आर्मी में ये नहीं है कि सिर्फ थल सेना, आप देखेंगे समुद्र में जहां जल की सीमा है वहां नेवी लड़ती है, नेवी के बाहर से नेवी के जो भी सोल्डर्स हैं वो लड़ते हैं, जहां वायु क्षेत्र का प्रश्न आता है वहां आप देखेंगे कि हमारी जो वायु सेना है वो भी लड़ती है। ये कहना कि वो सपोर्ट करती है, वो शब्द ठीक, अपने क्षेत्र में वो भी लड़ती है। आप अपनी जगह जमीन पर आप कब्जा करना और सारी चीजें वो देखना, और आपको क्लीन अभी बख्शी साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, सबके अपने अपने रोल है, किसी का रोल को कम करके नहीं आंका जा सकता, सभी लोग मिलकर लड़ते हैं तभी तभी जीत सुनिश्चित होती है। तो ये कह देना कि नहीं सिर्फ थल सेना लड़ती है, सिर्फ वायु सेना लड़ती है या सिर्फ नौसेना लड़ती है, वो ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली तो ये है कि सभी मिलकर लड़ते हैं और सबको श्रेय जाना चाहिए। आप अकेला श्रेय लेना चाहें तो बिपिन रावत जी की बात पर भदौरिया जी का रिएक्शन आना स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल, उपाध्याय जी लौट रहे हैं आपके पास तुरंत, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोबारा से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपके हिसाब से जो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का परसेप्शन है, इसमें क्या कुछ बदलाव आपको चाहिए जो वाकई में आपसी तालमेल को मजबूत कर सके, क्योंकि अभी जो चल रहा है उससे लग नहीं रहा है कि इस हिसाब से तालमेल कभी बैठ पाएगा। देखिए, इंटीग्रेटेड कमांड आपकी कैसी है, इंटीग्रेटेड कमांड होगा और करना चाहिए, पर इस समय ये कहना कि आप इतने एयरफोर्स एसेट निकाल के इधर कर दीजिए और फिर उस वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि एयरफोर्स के जो एसेट्स होते हैं वो थिएटर को में चेंज हो सकते हैं। वो आज एक इंटीग्रेटेड थिएटर जो नॉर्थ ईस्ट का उसमें है और एक दम से 3 घंटे के अंदर वो साउथ में आ सकते हैं। तो एयरफोर्स ये कह रही है इसको आप डेडिकेटेड मत बनाइए, और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में आर्टिलरी, उनकी इंजीनियर्स, जो सिग्नल, ये सारे के सारे अलग डेडिकेटेड होते हैं, जैसे लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, माउंटेन आर्टिलरी है, आर्मर्ड कोर है, ये सारे डेडिकेटेड ऐसे एक कमांड के अंडर में होते हैं जैसे होने चाहिए। पर जब वो कहते हैं कि हमें फाइटर एसेट्स भी आप हमारे को डेडिकेट करिए, और हम कहते हैं कि मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास में 45 से स्क्वाडन होने चाहिए और 32-30 से कम रह गए हैं, एज इट इज 15 स्क्वाडन कम है, यानी कि 280 से 300 जहाज कम है, हम नहीं कर सकते ऐसे अपने रिसोर्सेज का वितरण। ये आप ये बताने की कोशिश भदौरिया कर रहे हैं, और इंटीग्रेटेड कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा आइडिया है, ये वेरी गुड आइडिया है, इसको पहले करना चाहिए, पर इसके लिए भारत की वही कमी सामने, आपने अपने मिलिट्री को ध्यान नहीं दिया, तो वो आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपकी देश की रक्षा करते हैं उसको आपने आधा होने दिया। ये गलती तो सारी गवर्नमेंट्स की है जो अभी तक थी, ये एक दो साल में नहीं हुई है, ये हुई है पिछले 50 साल में और उससे भी ज्यादा 70 साल की गलतियां हैं ये जो अब सामने आ रही हैं और हमें महंगी और भारी पड़ रही हैं। पर जो भी है, प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, इस सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है। मेक इन इंडिया तहत जब प्रोजेक्ट्स चालू होंगे हम एयरक्राफ्ट बनाने शुरू करेंगे। हाँ,
अगर हमारी स्थिति चाइना जैसी है कि 2500 एयरक्राफ्ट है और अमेरिका जैसी है तो हम कर सकते हैं, पर अगर हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमारी एयरफोर्स आधी रह गई है, हम नहीं कर सकते। आरपी उपाध्याय जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, वर्तमान में जितने भी जो भी आप रक्षा क्षेत्र से जुड़ी परिस्थितियां देख रहे हैं उनके हिसाब से तीनों सेनाओं के आपसी तालमेल को कितना जरूरी आप समझ रहे हैं और दूसरा कार्य प्रणाली कितना बदलने की आवश्यकता है? उपाध्याय जी, देखिए तीनों सेनाओं में तालमेल होना देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और मैं जहां तक समझता हूं कि इसीलिए ये पोस्ट बनाई गई। पहले तो सब थल सेना और जल सेना और नव सेना तीनों में ठीक है वो होते थे, लेकिन फिर एक अलग पोस्ट बनाई गई, इसलिए बनाई गई कि वो कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो समन्वय बना रहे, वो बहुत जरूरी है। बिना उसके वो एक असमंजस की स्थिति हो जाती है, फैसले लेने में दिक्कत आती है। तो अगर सभी को एक सेंट्रल कमांड जो बनाया गया था, वो सेंट्रल कमांड इसीलिए बनाया गया था, तो ये निहायत जरूरी होता है किसी भी युद्ध में। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, मान लीजिए अभी रोकना है दूसरे देश की नेवी को तो नेवी रोकेगी, वहां नेवी के जो भी शिप्स हैं या पनडुब्बी हैं उन पर कोई थल सेना तो जाके लड़ नहीं सकती समुद्र के अंदर। तो सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये कह देना कि भाई सिर्फ थल सेना लड़ती है बाकी सपोर्ट करते हैं। तो आजकल तो देखिए एक फील्ड नहीं रहा, पहले होता था, पहले सिंपल सा युद्ध होता था, आमने सामने का युद्ध होता था, आज युद्ध कई तरीके से लड़ा जाता है, आज तो साइबर युद्ध भी लड़ा जाता है, साइबर वार भी होता है, आप देखेंगे सैटेलाइट वगैरह को फेल कर देना वो भी एक युद्ध का हिस्सा है। तो जिस तरीके से युद्ध के अलग अलग आयाम देखने को मिलते हैं, उन सब आयाम पर सभी मोर्चों पर अगर कोई देश मुस्तैदी से और लड़ता है तभी उसकी जीत सुनिश्चित होती है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रवेश आप इन लड़ाइयों में होगा, युद्धों में होगा, तो आप देखेंगे और नए नए फील्ड्स ओपन करने पड़ेंगे। जिस तरीके से मान लीजिए हमारा जो बिजली का सिस्टम है वो हैक हो गया, वो खत्म कर दिया तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी, बिजली नहीं होगी, कहां से काम चलेगा। तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ते हैं और सब में समन्वय कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मुझे दूसरे का सैटेलाइट फेल करना है तो मुझे उस विंग के साथ एक्चुअल में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि भी हमारी इमेजेस और हमारा जो सीक्रेट है वो वहां रोकना है हमें और इस तरीके से करना पड़ेगा, तो वो अपना काम करेगा। तो सबके समन्वय से जिस तरह देश सबके सहयोग से चलता है उसी तरीके से जब युद्ध में जब हम जाते हैं और लड़ते हैं तो हर पहलू और हर पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ एक पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर एक पार्ट कमजोर होगा कोई भी, जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि भी हमारे पास उतने लड़ाकू वो नहीं है, तो वो देखिए अगर हमारी वायुसेना कमजोर होगी तो हम सिर्फ ये सोचें कि थल सेना के बल पर हम कोई युद्ध जीत लेंगे, वो आज के जमाने में संभव नहीं। विगत के पुराने जमाने में होता था कि सिर्फ आमने सामने की लड़ाई होती थी, आज देखिए जिस तरीके से परिदृश्य बदल रहा है, जिस तरीके से हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का समावेश हो रहा है, तो बहुत सारी जरूरत है आज के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलती है और उन्हीं बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को तैयार रखना। अभी देखिए नया लड़ाई की भी जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस सबके सामने है, वायरस से भी किसी भी देश को खत्म किया जा सकता, ठप किया जा सकता है। वहां अगर हम कहें कि भी थल सेना भी युद्ध जीतेगी, नहीं, वहां साइंटिस्ट को युद्ध लड़ना पड़ेगा कि वायरस है, वायरस अटैक हुआ है हमारे ऊपर, तो हमें किस तरीके से उसका जवाब देना है और किस तरीके से उसे नल एंड वॉइड करना है। यानी कि सबकी होती है, सबका अपना यहाँ पर सहयोग रहता है। बस ये कह देना कि नहीं ये तो सिर्फ सपोर्टिंग आर्म है ये वाकई में गलत है, ये बात आपकी भी एकदम सही है सर। सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है और सभी को उतने ही रिस्पेक्ट की जरूरत भी होती है। चलिए यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी बख्शी सर, एक मैं छोटा सा सवाल है सर मेरा, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह को आप किस तरीके से देखते हैं सर, उनके आने से क्या बदलाव आपने महसूस किया, या फिर मैं ये कहूं कि मोदी सरकार जब से कार्यकाल में आई है तब से आपने रक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव महसूस किए हैं? देखिए मोदी सरकार के आने से जितने बदलाव हो रहे हैं, जितनी प्रोग्रेस हो रही है वो पहले नहीं देखी गई है, इसमें दो राय नहीं है, पर यहाँ पे प्रोग्रेस इतनी ज्यादा चाहिए
और हमको ऐसे डिफिकल्ट टारगेट्स को हासिल करना है कि एकदम से ही दो से तीन साल में नहीं हो जाएंगे, इसके लिए कुछ समय लगेगा। जैसे कि आधुनिकरण, अब आपके डिफेंस का, प्रोडक्शन का, मेक इन इंडिया की तहत आपके बॉर्डर का कंस्ट्रक्शन हो, उसके ऊपर आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रोड्स, रेलवे लाइन जैसे चाइना ने बिछाई हुई हैं, ये सारा का सारा पूरा करना पड़ेगा, जैसे इग्नोर किया था। ये अभियान, ये जो बीड़ा उठाया है मोदी गवर्नमेंट ने, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, ये बहुत ही एक उचित और जिसको कहते हैं हौसला प्रदायक काम कर रहे हैं, और इससे अब हम सबको जागरूकता आ गई है कि वाकई में ही अब हम कोई डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमको अभी समय लगेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोदी साहब के पास में है ये पुरानी कार्य प्रणालियां और लाइन ऑफ थिंकिंग, पॉलिसीज और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर ऐसे फंसे हुए हैं कि इनको ओवरकम करना एक डेमोक्रेटिक सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता जितना चाइनीज टाइप की गवर्नमेंट या पाकिस्तान टाइप की गवर्नमेंट को होता है। या तो अब देखिए, देयर आर नो फ्री लंचेस, अगर आपको डेमोक्रेसी इंजॉय करनी है तो उसका कुछ आपको खामियाजा भुगतना देना पड़ेगा, इतनी आसानी से चीज नहीं होती डेमोक्रेसी में, इसमें समय लगता है। बाकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप या कम्युनिस्टिक पैटर्न ऑफ, चाइनीज पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट या फिर इजरायली टाइप इज डिफरेंट, जर्मनी डिफरेंट था, उनका एम कुछ और था, हमारा एम कुछ और है। ये सारी सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए, नेशनल पॉलिसीज जो डॉक्ट्रिन होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अगर हम एक करें तो हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है इस समय बहुत उचित कार्य कर रही है, पर इनको अभी भी बहुत सारे प्रणाली, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बदलाव लाना, आपकी ब्यूरोक्रेसी और आर्मी के बीच में जो मनमुटाव हो रहा है, यहाँ पर बदलने की और इसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता। माफी चाहूंगी सर, समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के बयान पर आरकेएस भदौरिया ने आपत्ति जताई है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंटीग्रेटेड कमांड को लेकर जो कि इस समय दोनों पक्षों के बीच में तकरार चल रही है, ये तकरार किस तरीके से खत्म हो पाती है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। खबर नामा खबर।